वहीं कांग्रेस ने सनातन धर्म विवाद पर दूरी बनाते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सर्वधर्म सद्भाव का जिक्र किया और डीएमके नेताओं के बयान से दूरी बनाते हुए बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया जी, सनातन धर्म को लेकर और बड़े सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविशंकर प्रसाद ने, और कहा कि सोनिया गांधी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती है। रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म पे सवाल उठाया है, मेरा एक सिंपल सा जवाब है, सर्वधर्म संभाव इस देश की आत्मा है, हमारी जो विचारधारा है वो उसमें निहित है, इस देश की नींव है, हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। इन लोगों से ना हमें राष्ट्रवाद पे ना अपने धर्म पे सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में तो हिंदू धर्म में दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा कहा गया है। यहाँ पर तो लोग आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से तंग आकर सुसाइड कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, महिलाएं आतंकित हैं, यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारे शास्त्रों में कहा गया है। महिलाओं के भयावह वीडियो पर मोदी जी 78 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हैं 36 सेकंड के लिए। तो ये लोग ना धर्म की बात कर सकते हैं ना ये राष्ट्र की बात कर सकते हैं, ये स्वांताय सुखाय सत्ता की लोलुपता में सत्ता के लालच में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन ये बयान जो दे रहे हैं, गठबंधन में शामिल डीएमके के नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं, जो बयान आया है ताजा उसमें भी उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ ये गठजोड़ बना है ये बयान दे दिया, तो ये कौन सा बयान है, आखिर इससे किसका फायदा होगा? सर्वधर्म संभाव हमारा यकीन उसमें, आप मुझसे मेरे ऊपर सवाल पूछ सकते हैं ना, किसी और के लिए थोड़ी पूछ सकते हैं। लेकिन गठबंधन में डीएमके भी शामिल है और इसीलिए बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। इस बयान की निंदा होनी चाहिए जिस तरीके से बयान आ रहे हैं? मुझे कहना था मैंने कह दिया है, सर्वधर्म संभाव में हमारा यकीन है, हमारी आस्था है, इस देश की आस्था है। लेकिन बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना रही है और सवाल पूछ रही है कांग्रेस। बीजेपी हर उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाती है जो वो लोगों के दिमाग से असल मुद्दे निकाल चुके। बीजेपी महंगाई को, बेरोजगारी को, अडानी के महाघोटाले को, आर्थिक असमानता को, जलते हुए मणिपुर को चुनावी मुद्दा कब बनाएगी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बात करने के लिए, यानी जो राजनीतिक वार पलटवार सनातन धर्म को लेकर जो विवाद छिड़ा है उस पर पलटवार चल रही है, और कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने भी यहाँ पर जवाबी वार किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।